केंद्र सरकार की तरफ से लोकसभा में ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल पेश किया गया, जिस पर चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष में जमकर बयानों के तीर चले। ओबीसी आरक्षण से जुड़े बिल की चर्चा में हिस्सा लेते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आरक्षण को लेकर मंडल कमीशन की मूल भावना से खिलवाड़ किया जा रहा है। पिछड़े वर्गों को तब फायदा होगा जब आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा बढ़ाई जाए, और हमारी सबसे बड़ी मांग है कि जाति के आधार पर भी जनगणना की जाए। जाति जनगणना हमारी बहुत पुरानी मांग रही है, हर जाति को लेकर कंफ्यूजन पैदा किया हुआ है। हालांकि इस बीच अखिलेश यादव ने कहा कि अच्छी बात है कि सरकारों को मौका मिल रहा है कि वह ओबीसी जातियों को आरक्षण की लिस्ट में शामिल कर पाएंगे। उधर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस ने कहा कि सरकार को मजबूरी में ये बिल लाना पड़ा। हम सब स्वीकार कर रहे हैं, सदन के जितने भी सदस्य हैं, ये भी अच्छा है कि स्टेट्स को मौका मिल रहा है, वो अपने आप फैसला ले सकते हैं किन जातियों को ओबीसी में शामिल करना है। लेकिन क्या एक ही जगह पर जब तक आप 50% की कैप नहीं बढ़ाएंगे तो क्या ओबीसी को पूरा आरक्षण मिल जाएगा? आप एक ही कमरे में न जाने कितने लोगों को बैठाना चाहते हैं। आप कहते हैं इसी सदन में, क्योंकि ये लोकसभा छोटी पड़ रही है, हमें एक सेंट्रल व्यवस्था बनाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा सदन बनाना है हमें, सब आराम से बैठ सके। तो आप अपनी सहूलियत के लिए तो बना रहे हैं सेंट्रल व्यवस्था, लेकिन आरक्षण जो सबसे मूल भावना रही मंडल कमीशन की, उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। कौन नहीं चाहता जाति जनगणना हो? लेकिन आपको क्या है, आपके बहुमत है, आप किसी को परवाह नहीं करते हैं। आपको 56 छाती है, परवाह करने की जरूरत भी क्या है? आप किसी को नहीं परवाह करते, तो बहुमत की बाहुबली से अब सदन में जो चाहे मनमानी कर सकते हैं, लेकिन जनता की बोली के सामने आप झुक जाते हैं। तो जनता की जब बोली उठने लगे, प्रदेशों की जब बोली उठने लगे, प्रदेश जब आंदोलन करने लगे कि हमारे अधिकारियों को, हमारे जो अधिकारी, हमारे जो अधिकार है, ये अधिकार को छीना ना जाए, तो आपको आपको रास्ता पे आने में मजबूर कर दिया। आप इससे सबक सीख लिया कि नहीं, इतने जस्ती करना सही नहीं होगा, चलो एक अमेंडमेंट लाया जाए। विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि देश में 2004 से 2014 तक यूपीए का शासन रहा, सभी पार्टियों के ओबीसी सांसदों ने कमीशन और संवैधानिक मान्यता देने की मांग की, लेकिन 10 साल की यूपीए सरकार में ऐसा नहीं हुआ। पिछड़ा वर्ग के लिए मंडल आयोग उसी सरकार ने बनाया जिसे बीजेपी ने समर्थन दिया। 2014 में मोदी जी की सरकार आई, तब वैधानिक आयोग बनाया गया और पिछड़े समाज को अधिकार देने का काम किया, पिछड़ा वर्ग को न्याय देने का काम हमारी सरकार ने किया। कि हमारी सरकार पूरी तरीके से समाज के गरीब को, पिछड़ों को, दलितों को न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह एक ऐसा अवसर है जिस अवसर पर हम देश में जो दूर दूरस्थ क्षेत्र में जो छोटा समाज है, जो वंचित समाज है, जो गरीब समाज है, उसको बनाने की जो अधिकार है वो हम राज्यों को देने के लिए, सरकार की इंटेंशन को पूरा करने के लिए आए हैं। बहरहाल 5 मई को मराठा आरक्षण के मामले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ओबीसी की लिस्ट तैयार करने का अधिकार केवल केंद्र के पास ही है, ऐसे में आरक्षण संबंधित किसी तरह मसले पर केंद्र जोखिम नहीं लेना चाहती। केंद्र ने बहुत सोच समझकर ये बिल पेश किया है। इस बिल से राज्य सरकारों को अधिकार होगा कि वे अपने हिसाब से ओबीसी समुदाय की लिस्ट तैयार कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
पार्टी नेता मनोज यादव, भाजपा नेता शैलेश परमार जी और कांग्रेस नेता राजेंद्र आर्य जी, सभी अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं और इस बिल को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि क्या इसके राजनीतिक मायने हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में पांच राज्यों की जो विधानसभा चुनाव, उसी के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश खास रूप से फोकस किया गया है। और पिछली बार जब विधानसभा चुनाव थे तो उस दरमियान बीजेपी को यादवों के अलावा अन्य जातियों के जो ओबीसी वोट है वो मिले। सरकार चाहती है कि ओबीसी में वापस से वह सेन जारी रखें। इसी बीच ओबीसी को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए ओबीसी अधिकार यात्रा और ओबीसी के लिए जो समाजवादी पार्टी की तैयारियां चल रही हैं उसमें सेन लगाने की बड़ी बात कही जा रही है, लेकिन चले नियमों के तहत सरकार बिल लेकर के आई। 127वां संविधान संशोधन के लिए लोकसभा में बिल पेश, जिस पर चर्चा, और मुझे लगता है कि जब सारे राजनीतिक दल इस मुद्दे पर एक हैं तो कहीं को दिक्कत आएगी नहीं। ये हमारा 127वां संविधान संशोधन होगा। चर्चा शुरू करते हैं। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। इस बिल के कोई राजनीतिक मायने हैं जिसमें स्टेट्स को ये पावर मिल पाएगी कि वो ओबीसी की सूची में जिन जातियों को अनुसूचित करना हो तो वो कर सकती है? ये योगेंद्र जी, ये बात सही है कि राजनीतिक तौर पर फायदा लेने के लिए सब कुछ हो रहा है और इसमें कोई सारी पार्टी एक हो गई है। इसमें कोई एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जो कि नहीं चाहती हो कि बिल पारित नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में राजनीति सब जगह होती है। आने वाले समय में देखिएगा कि हरियाणा में जाट, राजस्थान में गुर्जर, महाराष्ट्र में मराठा और गुजरात में पटेल और कर्नाटक में लिंगायत आरक्षण मांग रहे हैं, और आरक्षण मांग रहे हैं तो आप देखिएगा 50% से ज्यादा अगर जाता है तो ऐसी स्थिति में जो अभी मौजूदा स्थिति है कोई भी राज्य इसका अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता। उस अधिकार प्राप्त करने के लिए वापस से बिल लाया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण पर रोक लगा दी थी। तो ऐसी स्थिति में अब आरक्षण किस प्रकार से मिले, और मौजूदा स्थिति में अगर राजस्थान में कहेंगे तो 64% आरक्षण हो गया है, हरियाणा में 60% हो गया है, बिहार में 60% हो गया है, गुजरात में 69% हो गया है, महाराष्ट्र में 62% हो गया, तमिलनाडु में 69% हो गया, छत्तीसगढ़ में 58% हो गया। तो ऐसी स्थिति में जिस तरह से बढ़ रहा है और अधिकार नहीं मिला तो आरक्षण नहीं दे पाएंगे। और ये बात सही है कि आपके सामने देखिए जो जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, यूपी का चुनाव है या बाकी के चुनाव होंगे तो राजनीतिक तौर पर सब लाभ लेना चाहते हैं। ओबीसी बड़ा वोट बैंक है और उस वोट बैंक को सारी पार्टी अपने पक्ष में करने की कोशिश कवायद कर रही है। तो इसके तहत वापस से बिल लाना क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने के बाद अब बिल लोकसभा में आएगा और राज्यसभा में सब मिलकर के पारित करेंगे, इसमें कोई विरोध नहीं होगा। जैसे अब तक लोकसभा में विपक्ष नहीं एंटर कर रहा था, नहीं इस मामले को लेकर सब एक हो गए। अब आप देखिएगा कि इसका मतलब रणनीति के तहत लोकसभा नहीं चलने देना की बात होती है तो जब नहीं चलने देना चाहते हैं, अगर राजनीतिक तौर पर सबको लाभ होता है तो लोकसभा भी चलेगी और पारित भी होगा बड़े आराम से। तो आपको क्या लग रहा है कि इसको जरूरत से ज्यादा वोट की जरूरत में रूप में महसूस किया जा रहा है? देखिए, एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से रोक लगाई तो राजनीतिक कहते हैं कि हमारे निर्णय को सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है तो हम सुप्रीम कोर्ट को भी ओवर रूल कर सकते हैं, क्योंकि अधिकार संसद को तो अधिकार है रूल बनाने का, और अगर है सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगाता है तो उसके ऊपर दोबारा से वो बिल ला करके पारित कर लेंगे। तो ये बात सही है राजनीतिक तौर। श्याम जी, वापस आऊंगा आपके पास में। मनोज यादव जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपकी पार्टी के नेता ने इसमें यह भी कहा है कि जो बिल है उसकी आत्मा को, मंडल आयोग की जो मूल भावना है उसको तोड़ करके पेश किया जा रहा है। बीएसपी ओबीसी की जाति आधार पर जनगणना की मांग कर रही है, अलग अलग पार्टियां अलग अलग दावा कर रही हैं, बीजेपी आपके सामने ही है, कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है, खारिज आप भी नहीं कर सकते उसे, तो किस तरह से देखा जाए इसको? देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं मैं, बीजेपी ने जो स्टेप उठाया है, जो राज्य को आरक्षण को लेके, पिछड़े को आरक्षण को लेके अधिकार दिए हैं, उनका धन्यवाद है। लेकिन मैं एक बात थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ, व्यक्तिगत तौर पे नहीं समझ पा रहा हूँ, या जो संवैधानिक सिस्टम है उसके तहत नहीं समझ पा रहा हूँ, या जो मेरा ज्ञान है उसके तहत मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आरक्षण है कहाँ? सरकार नौकरियां बचा कहाँ रखी है? तो आरक्षण आप राज्यों को दे देंगे और भर्ती सरकारी करेंगे नहीं, तो आरक्षण लेके क्या करेंगे?
उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं कह दूं कि बाबा जी के मठ में जाके मैं मुझे जॉब मिलेगी आरक्षण के तहत, घंटा बजाने की अथवा शंख बजाने की, किसकी मिलेगी? आरक्षण किसको जरूरत है? इस पैनल में बैठे लोग हैं और बुद्धिजीवी लोग हैं, मुझसे बुद्धिमान लोग हैं। सबसे ज्यादा आरक्षण तो उस फोर्थ क्लास जॉब वाले व्यक्ति को जरूरत है ना, जिसके घर पे खाने की व्यवस्था नहीं है। चपरासी बनने के लिए सबसे ज्यादा आरक्षण की जरूरत है ना, कि कम से कम वो आ जाए, अपने अपनी गरीबी को खत्म कर ले। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई और फोर्थ क्लास की वैकेंसियों को बाउंड कर दिया गया, बंद कर दिया गया। आप कोई भी फोर्थ क्लास की नौकरी सरकारी तौर पे आपको नहीं मिलेगी, ठेका प्रथा लागू कर दी आपने। एजेंसियों के थ्रू मिलेगी, 14,000 रुपए 15,000 रुपए लेगा एजेंसी का ठेकेदार, और 7,000-6,000 रुपए में लेके वो चपरासी का काम करा रहा। तो क्या ऐसे आरक्षण का लेके क्या करें, ओढ़े बिछाए या उसकी पूजा करें? एक एक बात है, ये मेरा एक पॉइंट है। आप आ जाओ, योगी सरकार की मंशा, मोदी सरकार की माफ कीजिएगा, बड़ी अच्छी मंशा है पिछड़ों को लेकर, क्योंकि वो पिछड़े प्रधानमंत्री हैं। मेरा तथ्य गलत हो तो मैं अनुरोध के साथ कह रहा हूं, इस डिबेट में मुझे कोई भी टोक सकता है। मोदी जी पिछड़े प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी के 7 साल के, नहीं मैं कह रहा हूं 7 साल के कार्यकाल में क्या केंद्रीय विश्वविद्यालय में पिछड़ों की संख्या भर दी गई 100%? चलो ठीक, 100% नहीं कहता मैं, क्या 80% भर दी गई ये सरकार बताए? क्या जो राज्य के विश्वविद्यालय उनमें भर दी गई वो बताए? क्या जो हमारी रेलवे की डिपार्टमेंट है उसमें भर गया, डाकखाने में भर गया, कौन से डिपार्टमेंट में? या मोदी जी जहां बैठते हैं पीएमओ में, वहां क्या पिछड़ों को उनका हक मिलेगा? क्या वहां उनके सराउंडिंग पिछड़े बैठे हैं क्या? कहां पे बैठे हैं ये बताए सरकार, हम जानना चाहते हैं। और अगर नहीं तो ये राजनीति मत करिए, बहुत कम लोग हैं आरक्षण के लाभ लेने वाले। योगेंद्र जी राजनीति मत करे बीजेपी, जिसको देना जो राजनीति से प्रेरित है, बिल टोटली राजनीति से प्रेरित है। देखिए ये हमारा वक्तव्य तो है नहीं कि हम आरक्षण को बंद कर देंगे, ये आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। हु टोल्ड? आरएसएस बीजेपी टोल्ड? आरक्षण के एक मंत्री, एक सेंट्रल मिनिस्टर कहते हैं साउथ के कि हम आरक्षण को इस स्थिति में ला देंगे कि आरक्षण किसी लायक नहीं रह जाएगा, हमने तो कहा नहीं। तो राजनीति से प्रेरित किसके लिए? बीजेपी के लिए। मैं जवाब दिलवाता हूँ। शैलेश परमार जी हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हैं इस वक्त। शैलेश जी आपके पास आना चाहूंगा, पूर्व वक्ताओं को आपने सुना, ये जो बिल है इसमें मंडल कमीशन की जो मूल भावना है उसको दरकिनार करके इसे पेश किया गया है, और महज इसमें एक राजनीतिक लाभ की दृष्टि से इसे देखा जा रहा है। ये कांग्रेस आरोप लगा रही है, आपके दूसरे जो राजनीतिक दल हैं विपक्षी हैं वो तमाम ये बात कह रहे हैं कि मूल भावना से भटक करके इसको पेश किया गया है, लेकिन समर्थन सबका है इसमें। जी जन टीवी के माध्यम से मैं जन टीवी के सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं, ये जो बिल लाए हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी, वो इसलिए लाए हैं कि जो आरक्षण की बात है, खास करके ओबीसी आरक्षण की बात है, वो केंद्रीय स्तर से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सेंट्रलाइजेशन था उसकी उसकी वजह ये इसका विकेंद्रीकरण किया और सभी राज्यों को अधिकार दे दिया। सिर्फ इतना ही इस बिल में प्रावधान है कि ये जो ओबीसी मंडल पंच जो है वो कौन, उत्तर प्रदेश में कुणबी है, महाराष्ट्र में पाटिल है, राजस्थान में पिछड़े कोई और है, गुजरात में पाटीदार है, पटेल है, ऐसे राज्य और स्टेट में सभी स्टेट के अलग अलग मायने में ओबीसी में आरक्षण है, इसीलिए इसका निर्णय राज्य ही करे, स्टेट ही करे, इसीलिए ये स्टेट को अधिकार दिया है। नहीं, हम सुनना चाहते हैं, हटाकर अब विकेंद्रीकरण किया है, एक बात। दूसरी बात, मेरे अभी जो वक्ता थे मेरे आगे वो बोल रहे थे कि नरेंद्र भाई मोदी जो है आदरणीय प्रधानमंत्री वो पिछड़े के हैं। अरे भाई, कोई प्रधानमंत्री पिछड़ा नहीं होता, कोई ज्ञाति का, कोई जाति का, कोई प्रांत का, कोई स्टेट का बड़ा प्रधान यानी कि प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर पूरे देश के होते हैं और पूरे देश के सभी समाज के लिए होते हैं, इसीलिए तो उन्होंने उसके पास नहीं रखा। ज्ञान हमें पता है, बड़ी बात कही, और दूसरी बात बताइए। और कांग्रेस की सरकारें गई, सबने क्या किया, उसके पास ही पोर्टफोलियो रखाया, ये तो हम करेंगे। और नरेंद्र भाई मोदी ने क्या किया? शैलेश जी सवाल ये परमार साहब,
शैलेश जी, सवाल ये है कि आरोप ये लगाया जा रहा है सरकार पे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखते हुए गैर यादव जो हैं उन्हें लुभाने की कवायद इस बिल में दिखाई दे रही है, ये विपक्ष का आरोप है। उसका आरोप तो क्या है कि नेगेटिव बोलना उसकी रुचि हो गई है, उसके पूरे शरीर में नेगेटिविटी फैल गई है। कभी तो किसी सरकार ने अच्छा काम किया होगा, जब हमारे वाजपेयी जी थे, इंदिरा जी अच्छा काम करते थे तो वाजपेयी जी उसको प्लेटफॉर्म में, जाहिर प्लेटफॉर्म में भी उसकी तारीफ करते थे। ये लोग को ये नहीं आता है, ये कोई उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, मगर जो ये कानून है वो पूरे देश में लागू हो रहा है। वापस आ रहा हूँ मैं राजेंद्र आर्य जी हमारे साथ जुड़े हुए, जयपुर से कांग्रेस के नेता है। राजेंद्र जी, राज्यों को ये अधिकार दिया जाएगा कि वो जिस जाति को चाहे उसमें ओबीसी में शामिल कर सकते हैं, तो समर्थन भी कर रहे हैं और इसे खारिज भी कर रहे हैं कि इसमें राजनीतिक बू आ रही है, तो समर्थन क्यों कर रहे हैं फिर कांग्रेस? योगेंद्र जी, निश्चित रूप से ये पूरा का पूरा मामला राजनीतिक है, क्योंकि मैं आपको एक संदर्भ बताता हूँ। 2018 के अंदर इसी सरकार ने 102वां संशोधन लागू किया था, जिसके अंदर मतलब केंद्रीय जो ओबीसी पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको अधिकार दिए। अब वही सरकार अपने फैसले को बदल रही है, उस वक्त उसको और फायदा दिखता था, आज उसको और फायदा दिखता है। एक्चुअली ओबीसी वर्ग के अंदर बीजेपी का जो जनाधार जिस तरीके से घट रहा है वो उस चीज को लेकर चिंतित है, वरना 2018 के खुद के फैसले को ये बदल रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इन्होंने चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो 5 राज्यों में चुनाव है उसको देख के कर रहे हैं, और जबकि राज्यों के साथ कोई चर्चा नहीं की गई। आप देखिए ना, राज्यों के साथ चर्चा होती, इस फैसले पर बात होती, राज्यों से पूछा जाता, और जहां तक की ये बात है आरक्षण की बात है, तो क्योंकि जनगणना हमारी मतलब लंबित है, उस जनगणना के आंकड़े जब विपक्ष पूरी तरीके से मांग कर रहा है कि जब तक आप ओबीसी जातियों का जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी नहीं कर देते तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि आप किस तरीके से आरक्षण देना चाहते हैं। ओबीसी जातियां जो बहुत पिछड़ी जातियां भी हैं उसमें कई, और राज्य जब देना चाहते थे आरक्षण, आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर भी गुर्जर आरक्षण का जब मुद्दा था तो केंद्र ने उसको रोका, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके रोका, क्योंकि उन्होंने कहा कि 50% आरक्षण से ज्यादा नहीं हो सकता। फिर केंद्र ने जब स्वर्णों को आरक्षण दिया तो उसके बाद में वो लिमिट बढ़ी, और उस लिमिट को बढ़ने के बाद में केंद्र अपनी सुविधा से सियासत कर रहा है आरक्षण को लेकर। एक तरफ इनके केंद्रीय मंत्री ये कहते हैं कि साहब हम आरक्षण को निष्प्रभावी कर देंगे, और दूसरी तरफ ये ओबीसी जातियों को आरक्षण का झंझुना दिखाते हैं, जबकि इम्प्लीमेंटेशन के नाम पे आरक्षण ये कुछ भी नहीं दे रहे। मोदी जी के 7 साल के राज्य कार्यकाल के अंदर आप बता दीजिए मोदी जी ने कितनी ओबीसी जातियों को सरकारी सेवाओं में या केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण दिया या केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण दिया, आप बताइए ना। सरकार बहुत जल्दबाजी में चुनाव को देखकर फैसला ले रही है, जबकि मुद्दा यह है कि जब तक ओबीसी जातियों के जातिगत आंकड़े नहीं जारी हो जाते तब तक इस तरह की बात करना और बहस करना मेरे ख्याल से, और मतलब संसद में भी अगर ये कर रहे हैं ना तो उनके पास में एक आधार होना चाहिए, राज्यों की तरफ से फीडबैक होना चाहिए। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। ठीक है, ये राजनीतिक बयानबाजी हो सकती है, राजनीतिक लाभ हानि की गणित हो सकती है, हर सरकार अपने एजेंडे के साथ में चलती है, तो ये तो तय माना जा सकता है कि आरक्षण की समीक्षा तो संभव ही नहीं है कि कोई कर भी पाएगा, क्योंकि वोट सामने साफ दिखाई देता है और कोई भी ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहेगा। देखिएगा कि हिम्मत तो क्या, आप देखिएगा कि सब सर्वसम्मति से कहते निर्णय किया जाता है आरक्षण बढ़ाया जाता है। अब आरक्षण जिस स्थिति में आ गया है तो आप कीजिएगा, आरक्षण की जो स्थिति हो जाती है वो अलग तरह की हो रखी है, लेकिन जिस प्रकार से बिल लाया जा रहा है, अभी बिल में संशोधन क्या है क्या नहीं है, कांग्रेस अगर विरोध करना चाहे तो विरोध करे, जैसे कृषि बिलों का हो रहा है, या नहीं विरोध करना चाह रहे क्योंकि सब राज्यों को अधिकार मिले और उसके सुविधाजनक स्थिति से वो अपने तरीके से अपने राज्य में उसको लागू कर पाए। लेकिन आपको नहीं लगता है कि राज्यों के लिए एक बड़ी मुसीबत भी हो सकती है? अभी तो केंद्र के पाले में डाल देते हैं कि वो अनुसूची में शामिल करेंगे, लेकिन अभी जो स्थिति है हर राजनीतिक दल पर वो प्रेशर होगा कि आप हमें ओबीसी में शामिल करिए। देखिए वो परिस्थिति अलग है, लेकिन हर राज्य में अपने वोटों के फायदे के लिए तो कर ही सकते हैं लोग। अब किसको वोट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा वो तो चुनाव पर
निर्धारित होता है कि चुनाव आएगा, आपके पक्ष में जाएगा विपक्ष में जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन ये बात सही है कि सब राज्यों को अधिकार चाहिए। देखिए केंद्र के पास चला गया तो केंद्र के पास कोई चीजें भेज देते हैं तो नहीं हो पाता है तो स्थिति विकट हो जाती है, और राज्यों में अगर लागू कर दिया जाता है और फिर स्टे लग जाता है तो बहुत सारी स्थितियां परिवर्तित हो जाती है। तो इसलिए ये बात सही, सुप्रीम कोर्ट ने जब साहनी इंदिरा साहनी वाले मामले में जब रोक लगाई थी, जब आपके सामने देखिए नरसिंह राव सरकार थी 10% आरक्षण दे दिया था, तो उस वक्त इस तरह की स्थिति बनी थी। तो ये सारी बातें जब से उठी है और अभी चलती आ रही है। देखिए 2018 में केंद्र ने अपने अधिकार में लिया था, ओबीसी कमीशन को अधिकार दे दिया था राष्ट्रीय, अब वापिस से परिवर्तित कर रहे हैं, राज्यों को अधिकार देना चाहते हैं। अब राज्यों को अधिकार केंद्र क्यों देना चाहता है ये भी पता है आपको कि है, राजनीति सब जगह काम करती है, लेकिन फिर भी सब राजनीतिक दल चाहते हैं कि उनको अधिकार मिले राज्यों में सरकारें। देखिए बहुत जगह तो मिली जुली है, कहीं कोई स्थानीय सरकार है तो कहीं अलग अलग तरह की स्थिति है, तो भी फिर भी हर राज्य चाहता है कि उसको अधिकार मिले तो विधानसभाओं में अपने तरीके से उसको लाए बिल और पारित करें। तो राजस्थान में भी कई स्थिति बन रही है, राजस्थान में सर्वसम्मति से भी चीजें पारित हो जाती है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये बात सही है कि जिस तरह की स्थिति बनी है उसलिए आपके सामने जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे उसको लेकर के है लाभ, उसके बाद में फिर चुनाव होंगे और फिर देखिएगा कि 23 में फिर चुनाव होंगे, तो अलग अलग चीजें अलग अलग स्थितियों में कैसे मिले, तो ये सारी चीजें राजनीतिक तौर पर है। और मैं मान के चलता हूँ कि इसको सर्वसम्मति से पारित राज्यसभा में भी होगा और लोकसभा में भी होगा, ये मान के चलिए, जिस क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे को सुप्रीम कोर्ट हमारे अधिकारों पर हस्तक्षेप ज्यादा ना करे, और हमेशा दोनों के बीच में विवाद होता है, इस विवाद को राजनीतिक तौर पर एकता के सूत्र में बंद करके, चाहे भले कोई भी पार्टी हो, वो नहीं चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की रोक लगाई हुए हमारे अधिकारों का हनन हो जाए, तो इसलिए सर्वसम्मति से पारित भी करेंगे और लागू भी होगा। फिर अब जिस तरह से बात है बिल, क्योंकि पारित बिल आगे बिल तो देखिए आई जब लोकसभा में आ गया है तो बिल में क्या कमी है क्या नहीं है उस पर डिस्कस होगा और हो सकता है कोई परिवर्तन करने की बात, बिल्कुल डिस्कशन हो रहा है उस पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश को क्यों कोट किया जा रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों किया जा रहा है। देखो गुजरात में भी चुनाव नहीं है, होगा 22 नवंबर तक होगा चुनाव, वहां पे राजस्थान में चुनाव नहीं है, महाराष्ट्र में अभी कहना बहुत जल्दबाजी है कि कब चुनाव होगा, वहां सरकार चल रही है, बेशक ये कहा जाए कि कभी भी कुछ संभव है, लेकिन उत्तर प्रदेश को कोट क्यों किया जा रहा है। मैं आपके पास में आना चाहूंगा मनोज जी, आपकी पार्टी की ओर से भी कहा जाता है, दूसरे लोग भी कह रहे हैं, समीक्षक भी कह रहे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश को ध्यान में रख करके इस बिल को लाया गया है, क्योंकि पूरे देश में चुनाव तो आज नहीं तो कल होने ही हैं, कुछ राज्यों में आपके साथ होंगे, कुछ में आपके फर्स्ट क्वार्टर में होंगे तो कुछ में लास्ट क्वार्टर में होंगे, तो चुनाव तो एक सतत प्रक्रिया है हमारे यहाँ की, तो फिर उसे क्यों जोड़ा जा रहा है कि चुनाव का लाभ लेने के लिए सरकार ये कर रही है। योगेन जी मुझे थोड़ा सा समय 1 मिनट ज्यादा दे दीजिएगा, बस मैं एक बात पूछता हूँ सरकार से और सरकार इस बात का जवाब दे। चलो मैं ये मान लेता हूँ कि सरकार की मंशा बड़ी अच्छी है, सरकार राजनीतिक इन सारी चीजों से दूर रह के ये काम करे, एक बार ये मान के चलते हैं, इस पे डिस्कस करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में जितनी भर्तियां पिछड़ों की होनी चाहिए थी, 39,000 शिक्षकों की भर्तियां आती हैं उसमें 18,000 पोस्टें खाली जाती हैं बैकवर्ड्स की, इस सरकार के द्वारा खाली जाती है। बच्चे आज भी आंदोलन कर रहे हैं लखनऊ की राजधानी में बैठे हैं, लड़कियां हैं औरतें हैं सब वो बैठे हैं, तो मैं किस तरह मान लो, किस आधार पर मान लो, लेकिन फिर भी मैं इस सरकार को अगर ये लगता है बैलेंस करता हुआ मुझे कुछ नजर आ रहा है। नीट में आरक्षण मिला, निश्चित तौर पे सवर्ण जाति के बच्चे नाराज थे नीट के आरक्षण से कि बैकवर्ड को आरक्षण दे दिया। उत्तर प्रदेश में क्या नया सबूका आ गया कि 39 जातियों को बैकवर्ड में शामिल किया जाएगा जो फॉरवर्ड की है, ये बैलेंसिंग नहीं है तो क्या है, किसको क्या मिलेगा। अच्छा 39 जातियां सबसे ज्यादा जातियां बैकवर्ड में है तो अब 39 जातियां और आप शामिल कर रहे हैं, तो अब अगर 39 और आ जाएंगी तो 27 में किसको कितना क्या दे पाएंगे, ये भी बात बड़ी सोचने वाली है। तो मैं एक अनुरोध करता हूं सरकार से, सारी समस्याएं की जड़ खत्म, कोई आरक्षण पे उंगली नहीं उठाएगा, आप जातीय गणना करा लो उसके आंकड़े प्रस्तुत कर दो, क्यों आरोप लगाओ किसी पे कि कौन कितना है कौन कितना ले रहा है। हम तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं 2022 में सरकार बनते ही पहला काम होगा हम जातीय गणना कराएंगे, और बहुत आसान है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सारे तरीके बता दिए, हम उत्तर प्रदेश में जातीय गणना करने के बाद
सबको सबका अधिकार मिले, किसी कोई रह ना जाए, हम ये चाहते हैं। लेकिन अब मोदी सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ रही, ये एक मिनट मैंने आपसे एक्स्ट्रा मांगा था। दरअसल में 7 साल में योगेंद्र जी जो धर्म की चाशनी थी, जो राष्ट्रवाद, जो सांस्कृत राष्ट्रवाद की चाशनी थी, जो पाकिस्तान हिंदुस्तान की चाशनी थी, उसमें खट्टापन आ गया है। अब बैकवर्ड का बच्चा जय श्री राम के नारे नहीं लगा रहा है, वो पूछ रहा है कि हमें नौकरी कब मिलेगी। अब बैकवर्ड के बच्चे जो सांस्कृत राष्ट्रवाद जिंदाबाद करते थे बीजेपी के लिए, वो अब नौकरी है, चूंकि 7 साल बेरोजगारी का बहुत होता है, किसी बच्चे अगर शादी हुई तो बाप बन जाता है, 2 बच्चों का बाप बन जाता है, उसको पैसे चाहिए, उसके पास काम नहीं है, वो चाशनी खट्टी हो गई, अब उसमें मिठास नहीं रह गई। तो अब ये सारी चीजें मोदी सरकार उनको प्रसन्न करने के लिए ये कर रही है। मनसा साफ होती तो 7 साल में अगर मनोज यादव प्रधानमंत्री होते तो एक तरफ से बैकलॉग भर जाते, एक तरफ से भर जाते, बहुत लंबा समय होता है 7 साल। जी, तो ये दावा कर रहे हैं, या अगर यही सवाल समाजवादी पार्टी से पूछा जाएगा कि आप योगी सरकार पे जो आरोप लगा रहे हैं कि भर्तियां नहीं निकाल पाई, जो है वो खाली पोस्टें रह गई, टेंडर कर दिए गए, वो अभी संविधा पे नहीं, अब सिस्टम चल गया निविदा पे लेने का, संविधा और निविदा में अंतर है जी, उस पे लेने के, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी कोई भी सरकार इसे खारिज कर सके कि हाँ बिल्कुल 100% नौकरी देंगे हम, कोई भी किसी तरह का कोई टेंडर नहीं कॉल करेंगे या संविधा कर्मी नहीं लगाएंगे, कोई कह सकता है अभी ये? देखिए, जो आपने निविदा शब्द का इस्तेमाल किया, मैं उसको ठेकेदारी प्रथा कहता हूँ, एजेंसी के थ्रू नौकरी, एक ही बात है, राइट, एक ही बात है, ठीक है। देखिए, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, सपोज दैट हम भर्ती नहीं कर पा रहे हैं, अटेंडम हमें किसी विभाग में ज्यादा काम आ गया, और भर्ती एक प्रक्रिया है, उसमें एक लंबा समय लगता है, तो हम शॉर्ट नोटिस में बच्चों को लेके काम करा लेते हैं, जैसे कोई भी काम किसी भी डिपार्टमेंट में आ गया, कहीं गणना का काम आ गया, कहीं कोई और काम आ गया, इसलिए वो पोस्टें थी, हमने नहीं बंद की ना, 4th क्लास की नौकरियां उत्तर प्रदेश में, ये तो योगी ने बंद की। बैकवर्ड बताते 4.5 लाख रुपए, दिल्ली में भी पोस्टर लगा, हो सकता है आपके राजस्थान में भी लगा हो, कि 4.5 लाख उत्तर प्रदेश की नौकरियों के हमने भर्ती कर दी सरकार में। योगेंद्र जी, ईश्वर की कसम खा के कह रहा हूं, मैं ईश्वर की कसम खा के कह रहा हूं कि अगर 4.5 लाख हैं तो गिनती बीजेपी के लोग बता दे कौन कौन से विभाग हैं, वो कौन कौन से, समाजवादी पार्टी की सरकार में पुलिस की भर्ती हुई, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट का जो रिजल्ट आया है वो हमारी सरकार की भर्ती है। अरे ये तो पढ़ा होगा ना कि कब भर्ती कौन सी थी, कोई सुप्रीम कोर्ट चला गया, इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया, आप मोटे मोटे तरीके से समझ लो, कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया है वो आरएसएस की मंशा के हिसाब से किया। जी परमार साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं, बिल्कुल राजनीतिक मंशा ज्यादा है, ओबीसी की जातियों का उद्धार कम है। आपने म्यूट किया है सर, अनम्यूट करिए शैलेश जी, अनम्यूट करिए, म्यूट किया हुआ आपका सिस्टम। भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई वाली सरकार कुछ नहीं देती तो बोलते हैं कि अभी आंदोलन चल रहा है, स्ट्राइक चल रही है, जाट आंदोलन चल रहा है, पाटीदार आंदोलन चल रहा है, तो कुछ देकर दिखाए प्रधानमंत्री जी, मगर जो प्रधानमंत्री जी कुछ देते हैं तो बोलते हैं ऐसे क्यों दिया, ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी कुछ किया ही नहीं भाई साहब, अभी तो सत्ता का विकेंद्रीकरण किया है, सभी स्टेट को ओबीसी में किस किस जाति को, किस किस जाति को लाना है उसका ही निर्णय किया है, दूसरा कुछ निर्णय अभी नहीं किया, और उत्तर प्रदेश के ध्यान में रख के नहीं किया, उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखकर कोई निर्णय नहीं होता है, पूरे भारत के सभी लोगों को ध्यान में रखकर ये निर्णय किया है, और सभी लोग ये निर्णय को कांग्रेचुलेट करते हैं, और ये जो विपक्ष वाले लोग जो है उसको ही प्रॉब्लम है, किसी आम आदमी को प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तो कांग्रेस के नेताओं को प्रॉब्लम है, विपक्ष के ओपोजिशन वाले नेताओं को प्रॉब्लम है। एक बात जो इन्होंने कही कि अगर कहीं पे इस बात का सरकार साफ जाहिर करती कि उत्तर प्रदेश के सिलसिले में जिस पे बात कही जा रही कि उत्तर प्रदेश को कोट करके इलेक्शन जीतने की मंशा रखी है, अभी जैसे आपसे पूर्व प्रवक्ता मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने साफ कहा, कसम खा के, कि आप बता दीजिए ठेकेदारी प्रथा और नौकरी देना दोनों में अंतर है, आजकल हम एक नया शब्द यूज करते हैं, सभी राज्य सरकारें करती हैं ये, कि रोजगार के अवसर,
नौकरी नहीं, रोजगार के अवसर, ये सभी सरकारें कहती है अवसर देंगे। फैक्ट्री में कहीं पे कोई जगह निकली है, साहब हमने देखो रोजगार दिया, स्किल्ड कर दिया उसकी, कहीं उसको प्लम्बर बना दिया तो उसको रोजगार के अवसर, तभी तो हम भी देखते हैं बहुत सारी जगह पे ये कहा जाता है कि हमने 5 लाख नौकरियां दे दी, 10 लाख लोगों को नौकरियां दे दी, कैसे दी, किसी को फिटर बनाया, बहुत अच्छी बात है कि उसको 2 पैसे करने का हुनर आपने दे दिया, अच्छी बात है। लेकिन हम उसे ये नहीं कहें, या तो सरकारी नौकरी को और उसको डिफाइन करना होगा आपको कि हाँ ये खाते में सरकारी नौकरियां गई हैं और ये हम लोगों ने हुनरबंद बना करके उसे, ये हमने उसे अवसर दिया है। ये एक अभी भी बड़ी बात आती है, और जो मैनिफेस्टो जारी होते हैं किसी भी राजनीतिक दल के तो उसमें साफ होता है कितने लोगों को रोजगार, और जैसे ही मैनिफेस्टो की क्रियान्विति का वक्त आता है तो रोजगार के अवसर उसमें लिखे जाते हैं। विधानसभाओं में जब सवाल पूछे जाते हैं, सभी जगह, मैं एक सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा, सभी की स्थितियां यही है, फिर उसमें पूछा जाता है कि हमने रोजगार के अवसर दिए। शैलेश भाई आपके यहाँ भी ऐसा ही होगा, सभी जगह यही है अवसर? जो पहले तो जो ये आरक्षण है सिर्फ रोजगार के लिए नहीं है, सभी आरक्षण रोजगार के लिए ही नहीं होते, जो सामाजिक तौर पे पिछड़े है उसको ये जो प्रवाह है उसमें शामिल करने के लिए आरक्षण दिया जाता है। सिर्फ रोजगार, रोजगार के लिए तो है ही, एम्प्लॉयमेंट के लिए तो है ही, मगर एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से ये आरक्षण को देखना नहीं चाहिए। आरक्षण यानी कि जो जाति, जो समुदाय पिछड़ा है उसको, सभी समुदाय जो डेवलप समुदाय है उसके साथ लाने की योजना, यानी कि आरक्षण। तो इतने साल बाद भी हम इसी पे अटके हुए, अभी भी राजनीतिक जो दल, ने इतने साल कुछ किया ही नहीं है, बातें ही की है, तो जो करना है वो नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई वाली करेंगे। राजेंद्र जी अगर आप लोग थोड़ा ध्यान देते तो ये सब चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ रही होती बीजेपी को एक्सरसाइज करने की। योगेंद्र जी ऐसा कुछ भी नहीं है, बात हर चीज के ऊपर एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया के तहत अगर कुछ किया जाता है तो वो चीज हमेशा स्वागत योग्य होता है। लेकिन इनकी मंशा पर मैंने जैसा पहले भी बताया कि 2018 के अंदर ये कह रहे थे कि हम इनका ध्यान रखना चाहते हैं, तो 2018 के अंदर आपने 102वां संशोधन क्यों किया था? तब 2019 के चुनाव को ध्यान में रखते राजनीतिक फैसला वो ले लिया। आज जो ये यूपी के और 5 राज्यों के उसके साथ में जो चुनाव है उनको लेकर कर रहे हैं, जबकि असलियत यह है आरक्षण आज की तारीख में केंद्रीय सेवाओं में या भाजपा शासित राज्यों में आप आके देख लीजिए कोई भी तरीके की नौकरियां ना तो सृजित की जा रही है ना ही नौकरियां दी जा रही है। वहां पर पूरी तरीके से निजीकरण की बयार चल रही है, ये शैलेश भाई खुद बता देंगे। गुजरात के अंदर ओबीसी जातियों की नौकरियों में आरक्षण की स्थिति क्या है ये बता दे, गुजरात के अंदर कितना एम्पावरमेंट उनको मिला हुआ है, और जो मतलब ये पूरी की पूरी सरकार ब्यूरोक्रेसी के सहारे चल रही है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर आप केंद्रीय जो मतलब विभागों के सचिव हैं, सेक्रेटरीज हैं, उनमें आप उठा के देख लीजिए ओबीसी जातियों का कितना प्रतिनिधित्व है, चाहे आप हाईकोर्ट की बात करें, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करें, चाहे केंद्रीय सेवाओं की बात करें, ओबीसी का मतलब प्रतिनिधित्व ढंगे है। और 7 सालों में मोदी जी ये बताएं कि उन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की, 5 साल में योगी बताएं कि उन्होंने ओबीसी जातियों का कितना मतलब सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिया या उनको नौकरियां लगाई। तो ये पूरा का पूरा राजनीतिक मामला है और जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। राज्यों के साथ अगर बैठकर पूरी तरीके से बात की जाती तो इसमें ठोस बात होती। और उसके साथ में मैं फिर जोड़ना चाहता हूं कि जब तक जातिगत जनगणना के आंकड़े नहीं आ जाते तब तक इस तरीके के कोई फैसले से कोई अहम और कोई ठोस शुरुआत नहीं हो सकती। चलिए मैं माफी चाहूंगा, मनोज जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, समय का अभाव, सिर्फ एक लाइन। एक लाइन, देखिए आरक्षण और बीजेपी में दो चीजें समांतर नहीं हो सकती। ठीक वैसे ही जो काला नाग होता है जिसको हम कोबरा कहते हैं, कोबरा चिड़िया के बच्चों को कभी जिंदा नहीं छोड़ता, हमेशा खा लेता है, ठीक वैसे ही बीजेपी एक कोबरा की तरह है, आरक्षण की रक्षा नहीं कर सकती, वो उसको खाने वाली पार्टी है। चलिए ये बिल्कुल स्पष्ट है, चलिए अपना अपना एजेंडा है, क्योंकि सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि पिछड़ों को शामिल करने के लिए राज्यों को अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि बार बार कोर्ट कोर्ट के जो चक्कर लगते हैं उसे हटाया जा सके, तभी संविधान संशोधन, फिर कहूंगा मैं ये संविधान संशोधन है बिल के जरिए, 127वां संविधान संशोधन है जिसके जरिए राज्यों को अधिकार मिलेगा। अब इसके दूरगामी परिणाम क्या आएंगे, क्या वास्तव में मकसद में सफल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, जो जातियां डिजर्व करती हैं अभी भी पिछड़ी हुई हैं, क्या वास्तव में वो मूलधारा में आ पाएंगी, ये बड़ा सवाल है जो तभी खारिज होगा जब इसकी स्थितियां साफ हो पाएंगी। शुक्रिया आप सभी का, खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।